हेलो दोस्तों, आज हम द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन चैप्टर का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ डैरन हार्डी द कंपाउंड इफेक्ट के इम्पैक्ट को समझा रहे हैं द मैजिक पेनी स्टोरी से। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि एक तरफ आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाले जाएं, या दूसरा ऑप्शन आपके अकाउंट में 1 रुपये डाले जाएँ और वो रुपए डेली डबल होते जाएँ और ऐसा 30 दिन तक चलता रहे, मतलब 30 दिनों तक आपके अकाउंट में रुपए डबल होते रहें, देन आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? मान लो आपका दोस्त 10 करोड़ रुपए वाला ऑप्शन चूज़ करता है और आप 1 रुपए वाला ऑप्शन चूज़ करते हो। अब आपके दोस्त के पास 10 करोड़ रुपए हैं, उससे वो अपने लिए एक आलीशान बंगला खरीदता है और एक चमचमाती कार। आपके पड़ोसी आपको देखकर आपको बेवकूफ़ कहते हैं। अब 10 दिन हो गए हैं और अभी भी आपके अकाउंट में सिर्फ 512 रुपए ही हैं और आपके दोस्त के पास अभी भी 10 करोड़ रुपए का बंगला, गाड़ी और अभी भी उसके अकाउंट में पैसे हैं। 15 दिन बाद आपके अकाउंट में 16,384 रुपए होते हैं। ये देखकर आपका दोस्त बहुत खुश हो रहा है कि अच्छा हुआ उसने ये 1 रुपए वाला ऑप्शन चूज़ नहीं किया। 20वें दिन पे भी आपके अकाउंट में रुपए डबल होकर 5,24,288 रुपए हैं। बट ठंड रखिए जनाब, कमाल तो अब होना स्टार्ट होगा। 25वें दिन पे आपके अकाउंट में यही रुपए डबल होते होते 1,67,77,216 रुपए हो जाएंगे। अभी भी आप सोच रहे होंगे 25 दिन हो गए और अभी भी आप अपने दोस्त से बहुत पीछे हैं, 25 दिन में तो कुछ हुआ नहीं, तो अब बाकी के 5 दिन में क्या चेंज आएगा? बट दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट तो अब दिखाई देगा। 28वें दिन आपके अकाउंट में अब 13,42,17,728 रुपए हो गए हैं। अब आपके पास आपके दोस्त से भी ज़्यादा पैसे हैं। बट अभी रुकिए, ये तो अभी सिर्फ 28वां दिन ही था, कमाल तो अभी 30वें दिन पे और होगा। 30वें दिन आपके रुपए डबल होकर 53,68,70,912 रुपए हो जाएंगे, आपके दोस्त से 5 गुना ज़्यादा। अब आपको अपने डिसीजन पे पछतावा नहीं होगा और इसी के साथ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कंपाउंड इफेक्ट को। ये मैं नहीं कह रही या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मजाक चल रहा है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। आप ये डैरन हार्डी कहते हैं और आपको बिलीव ना हो तो आप खुद ये कैलकुलेशन करके देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। आगे डैरन हार्डी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हार्डवर्क करना बहुत अच्छे से जानते हैं थे, और जो आपके भी जो वो कहते हैं कि आपके भी जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे वो भी हार्डवर्क, डिसिप्लिन और गुड हैबिट्स का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। आप देख लेना, मैं शर्त लगाता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वो हफ्ते में 6 दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते होंगे, वो सारे स्किल्स जो उन्होंने सीखी होंगी वो पूरी लाइफ उन्होंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एबिलिटी को अपने अंदर लेना। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड वी नीड टू रिकवर आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर्क एथिक। आगे डैरन हार्डी सक्सेस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक रियल लाइफ छोटी सी स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके घर के पास ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन हुआ था। बिगनिंग में ही वो प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। वहाँ पर कोई भी कस्टमर जाता, वहाँ का स्टाफ एक बड़ी सी स्माइल के साथ लोगों का वेलकम किया करता था। वहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी और एंड द फूड वॉज सेंसेशनल, मतलब फूड वहाँ का बहुत ही अच्छा था। वहाँ इतनी चीज़ें अच्छी थी कि वहाँ पे लोगों को रेस्टोरेंट ओपन होने के कुछ दिनों बाद ही वहाँ बहुत लाइन लगने लगी लोगों को वहाँ पे बैठकर खाना खाने के लिए। देन अनफॉर्चुनेटली द रेस्टोरेंट स्टाफ बिगन टू टेक इट सक्सेस फॉर ग्रांटेड। बट ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाने की वजह से जो वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने सक्सेस को एज अ ग्रांटेड ले लिया। वहाँ पे चीज़ें बदलने लगी धीरे धीरे धीरे, वहाँ का स्टाफ भी मिसबिहेव करने लगा, फूड की क्वालिटी भी गिर गई। द प्लेस वॉज आउट ऑफ बिजनेस विद इन 18 मंथ्स और इसी वजह से 18 महीने के अंदर अंदर वो रेस्टोरेंट वापस बंद हो गया। वो फेल हो गए, डैरन हार्डी कहते हैं कि वो फेल हो गए बिकॉज ऑफ देयर सक्सेस और रेदर बिकॉज दे स्टॉप्ड डूइंग व्हाट मेड देम सक्सेसफुल टू बिगिन विद। वो कहते हैं कि वो फेल इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें करनी बंद कर दी जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग में सक्सेसफुल हुए थे, या फिर उनकी वो अपने सक्सेसफुल होने की वजह से वो भूल गए चीज़ें कि वो किन चीज़ों की वजह से सक्सेसफुल हुए और उन्होंने वो चीज़ें करनी बंद कर दी तभी वो फेल हो गए। देयर सक्सेस क्लाउडेड देयर पर्सपेक्टिव एंड दे स्लैक्ड ऑफ। डैरन हार्डी कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट
आपके इंस्टा रिजल्ट एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। जिस दिन आप कंपाउंड इफेक्ट को समझ जाओगे, उस दिन आप ये इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। वो आगे कहते हैं कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो इस बात से कि अगर आप ये सोचते हो कि जो आज सक्सेसफुल एथलीट्स जो होते हैं या कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल है, वो थाउजेंड ऑफ आवर्स वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं, या फिर उनके अंदर गॉड की दी हुई कोई पावर होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने भी हार्डवर्क किया होता है, उन्होंने भी डिसअपॉइंटमेंट को देखा होता है, उन्होंने भी अकेलापन, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ देखा होता है टू बिकम नंबर वन। नंबर वन बनने के लिए उन्होंने भी ये सारी चीज़ें फेस की हुई होती है। आगे डैरन हारी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस बुक के ख़त्म होने तक या उससे पहले कि आप सक्सेसफुल होने का अनसेक्सी अनएक्साइटिंग पाथ आप समझ जाओ, कि आप समझ जाओ कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी कितना ज़रूरी होता है सक्सेसफुल होने के लिए। आप हार्डवर्क करना सीख जाओ और देखना फिर कि कैसे कंपाउंड इफेक्ट आपकी भी स्टोरी को फेरी टेल एंडिंग बना कर रख देगा। आगे वो कहते हैं कि मुझे नेक्स्ट चैप्टर में ज्वाइन कीजिए, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू कंट्रोल योर लाइफ। आप कोई भी चॉइसेस जो भी आप बनाते हो, कोई भी फेलियर, कोई भी विक्ट्री आप या कोई भी फेलियर आप देखते हो अपनी लाइफ में, ये इसलिए है बिकॉज आपने कुछ चॉइसेस बनाई है अपनी लाइफ में और उसी की वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो कहते हैं लर्न टू चेंज दिस एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन समाप्त होता है। जल्दी ही हम आपका इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।